भैया, तो एक टॉपिक है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है भारत इसका कंसेप्ट कर लेते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्लैश सॉलिड बट कंडक्टिंग स्फीयर। आपका पोटेंशियल किसकी वजह से निकालना है, होलो या सॉलिड हो, लेकिन सॉलिड हो तो क्या हो, कंडक्टिंग हो, क्योंकि चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, दोनों का ही जो चार्ज होता है उसकी सरफेस पर लाई करता है। सॉलिड कंडक्टिंग का चार्ज भी सरफेस पर लाई करता है और होलो का भी चार्ज क्या करता है, सरफेस पर लाई करता है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों का एक ही केस बनता है। ठीक है, अच्छा मैंने कल एक बात बताई थी, जो कंसेप्ट यूज हो रहा है इस डेरिवेशन में, आपको पता है डीवी अपॉन में डीआर जो होता है वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर था। तो डीवी क्या होगा, ई डी आर हो जाएगा। डीवी एक्चुअल में क्या है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डीवी, और ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, डीआर। क्या है, तो इन्हीं डीवी, इन दो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है और ए और बीच की दूरी क्या है, डीआर। ठीक है, अगर हम निकाला जाए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो डीवी को इंटीग्रेट करूंगा और इधर ईडीआर को इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, और यहां पे लगाऊंगा लिमिट। ठीक है, यहां पर लिमिट आएगी उन दो पॉइंट्स की जिनके बीच में मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं। यहां पर लिमिट उन दो पॉइंट्स की आएगी, यहां लिमिट लिमिट उन दोनों पॉइंट्स, उन दो पॉइंट की आएगी, उन दो पॉइंट्स की आएगी आएगी जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, यहां पर लिमिट उन दो पॉइंट्स की आएगी जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, और यहां लिमिट डिस्टेंस की आएगी, डिस्टेंस की आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कंसेप्ट है इसका। टॉपिक का नाम है पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर और कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, सेम चीज है। ठीक है, तो ये आपका स्फीयर है, इसके तीन पॉइंट है और इसकी रेडियस क्या, आर है, आर क्या, रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर। चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो तो क्या हो, कंडक्टिंग हो। रेडियस ऑफ होल, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगी, कैपिटल आर, क्या होगी, कैपिटल आर। ठीक है, और ठीक है, चार्ज कितना है, प्लस क्यू दिया मैंने, अगर प्लस क्यू दिया तो सारा का चार्ज चार्ज क्या होगा, ऐसा फैल जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। ठीक है, मुझे निकालना है अलग अलग पॉइंट्स पर पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे निकालना है ए पॉइंट का पोटेंशियल, ए पॉइंट का। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अच्छा, इसकी दूरी कितनी है, तो बता दो इसकी दूरी है स्मॉल आर। क्या है, यहां से यहां तक की दूरी क्या, स्मॉल आर है, और आपको बता दू ये स्मॉल आर है। ठीक है, और इस केस में स्मॉल आर, अच्छा स्मॉल आर क्या है, सेपरेशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम दी सेंटर ऑफ स्फीयर, स्मॉल आर है। तो अभी सेपरेशन सेंटर के जो सेंटर से जो पॉइंट का सेपरेशन है स्मॉल आर, वो क्या है, आर से क्या है, बड़ा है, आर से क्या है, तो मैं एट पॉइंट ए निकालने आ रहा हूँ, एट पॉइंट ए पे निकालने आ रहा हूँ, जिसका सेपरेशन क्या है, एक्चुअल स्फीयर की रेडियस से क्या है, बड़ा है, और आप आउटसाइड हो, कहाँ हो,
आउटसाइड हो, बाहर की तरफ हो। हाँ नहीं, इनफिनिटी इन्फिनिटी पे नहीं है, मतलब फाइनाइट डिस्टेंस पर है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, तो अपने को इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। हम चाहते हैं कि ये पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता लग जाए, मतलब एक स्पेयर के बाहर क्या पोटेंशियल होता है। तो हमें पता है डीवी, ठीक है, और इधर क्या होगा, माइनस ई डी आर, हमें तो पता ही है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल निकालना मुझे ये पॉइंट का, तो अच्छा मुझे ए पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए और डीवी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है पोटेंशियल, और मुझे चाहिए ए पॉइंट का पोटेंशियल। तो हम क्या करते हैं कि मुझे पता, ये एक चार्ज लाते हैं, यूनिट चार्ज, क्या ला रहा हूं, यूनिट चार्ज, कहां से, इंफिनिटी से। और आपको बता दूं इंफिनिटी पर किसी भी चीज का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता ठीक है। एज्यूम क्या होता है, इंफिनिटी पर जीरो होगा, एज्यूम नहीं होगा, पता है, ठीक है। तो इंफिनिटी से मैं ए पॉइंट पर लेके आया, इंफिनिटी से, और इंफिनिटी का पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो, और ए का पोटेंशियल मैंने मान लिया क्या हो गया, वी ए, क्या मान लिया, वी ए। तो अगर मैं डीवी को इंटीग्रेट करूंगा तो देखिए स्टार्टिंग में, देखिए और ये ध्यान रखना, इसी तरीके से अभी आगे आपको बात क्लियर रहेगी, ठीक है। मैंने इंफिनिटी का पोटेंशियल क्यों लिया, क्योंकि तो आपको पता है ये डिफरेंस है, ये क्या है, मतलब यहाँ पे दो पॉइंट के पोटेंशियल आएंगे। डिफरेंस क्या होता है, दो चीजों के बीच का होता है, मतलब यहाँ पे डीवी जो है वो दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस है। अगर मैं डीवी को लिखूं तो एक पॉइंट माइनस दूसरा पॉइंट लिखूंगा। अब यहां पर मुझे केवल एक ही पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, डीवी क्या है, दो पॉइंट का पोटेंशियल है, डिफरेंस है, और मुझे चाहिए उनमें से किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल। तो मुझे एक पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे पता है, हम जानते हैं अपनी, हमारी नॉलेज में है कि एक पॉइंट ऐसा होता है जिसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, वो क्या होता है, इंफिनिटी। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग कहां से की है, पहले पॉइंट की, इंफिनिटी से, ठीक भैया। तो इंफिनिटी से स्टार्ट करूंगा, वहां का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। अब बचेगा ए पॉइंट का पोटेंशियल, वही रिजल्ट मेरे को लाना है, ठीक है। तो भैया यहाँ पर लिमिट लूंगा मैं, पहले क्या लूंगा, इन्फिनिटी का पोटेंशियल, और उसके बाद लूंगा ए का पोटेंशियल जो मुझे निकालना है, क्योंकि तो मुझे पता है इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अच्छा जब इन्फिनिटी पे था तो उसके लिए आर क्या था, इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पे था तो उसके लिए आर क्या था, इन्फिनिटी, और जब ए पर आया तो उसके लिए आर क्या हुआ, स्मॉल आर के बराबर हो गया। डिस्टेंस लेना, ओ पॉइंट से इन्फिनिटी का सेपरेशन इन्फिनिटी होगा, और ओ पॉइंट से ए पॉइंट का सेपरेशन कितना है, आर है, ठीक है। डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी, इंफिनिटी और ए। आपको बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है एक स्पेयर के बाहर जो होती है वो होती है के क्यू अपॉन में आर, क्या होती है, के क्यू अपॉन में आर, अगर आपको याद होगा डी आर, और ये क्या हुआ, आर स्क्वायर होती है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, आउटसाइड ऑफ दिस स्पेयर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और ये इंफिनिटी हो गया, ये आर हो गया। डीवी डी, एक बार ये अपर लिमिट वी को रिप्लेस करेगी तो वी है, एक बार लोअर लिमिट रिप्लेस करेगी क्या, वी इन्फिनिटी, ये हो गया। अच्छा माइनस के क्यू बाहर निकाल दिया, और निकाल दिया मैंने के क्यू, ठीक है, और आर स्क्वायर को ऊपर ले गया तो क्या हो जाएगा, आर की पावर माइनस टू डी आर, इन्फिनिटी से लेके आर की लिमिट लगा, ठीक है। सलोनी ठाकुर बहुत वीआईपी हो गया है, ठीक है। चलो वी ए और इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है, सी लिख दिया मैंने, माइनस के क्यू आर की पावर माइनस टू है, इंटीग्रेशन में क्या होगा, आर की पावर माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि माइनस टू में एक जोड़ूंगा, माइनस टू प्लस वन क्या होगा, माइनस वन, और उसी से क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, और क्या होगा, इन्फिनिटी से लेके आर, माइनस से माइनस क्या होगा, खत्म हो गया। तो वी ए इक्वल्स में क्या हो गया, ये क्या हुआ, वन बाय में आर लिख दिया इसको, इन्फिनिटी से लेके आर, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा वी ए इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, एक बार आर को आर रिप्लेस करेगा अपर लिमिट, तो वन बाय में आर, एक बार आर को कौन रिप्लेस करेगा, इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना आ गया, के क्यू अपॉन में, मतलब पोटेंशियल जो होता है आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, ए पॉइंट के आउटसाइड, वो आर के क्या होता है, इनवर्सली होता है, मतलब जितनी दूरी बढ़ाओगे पोटेंशियल उतना क्या होगा, कम होता जाएगा। अब आते हैं एक पॉइंट बी पर, बी कहां पर है, सरफेस पे, बी पॉइंट की बात करूं,
इसकी जो दूरी है यानी स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के क्या होगा, बराबर होगा। एट पॉइंट बी की बात कर रहा हूँ, एट पॉइंट बी की बात कर रहा हूँ, उसकी दूरी जो है वो कैपिटल आर के बराबर है। ठीक है, अभी इसको कैसे करेंगे? तो भैया इस बार भी क्या करें, बी पॉइंट का पोटेंशियल हमें निकालना है। और मुझे पता है जो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वो क्या है, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस का, डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में होता है। ठीक है, तो इसमें से एक पॉइंट को हटाना पड़ेगा। मुझे कहाँ चाहिए, सरफेस का पोटेंशियल, बी का है सरफेस पे, तो मैं एक पॉइंट क्या ले लूंगा, इन्फिनिटी, क्योंकि वहां का पोटेंशियल मुझे गिवन है जीरो। ठीक है, और उसके बाद फिर उसको नॉर्मली सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम यही आएगा, बस वहां पर क्या आएगा, सरफेस का जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, क्या आएगा, समझ गया? तो इसका मतलब सरफेस पे पोटेंशियल आपका ये होता है। अब मैं जा रहा हूं पॉइंट सी पर, सी पॉइंट कहां पर है, अंदर। सी रहा, और ये क्या स्मॉल आ रहा है, ये स्मॉल आर क्या कैपिटल आर से छोटा है, कलर चेंज कर देता है ना। स्मॉल आर ये सी है, ठीक है, और ये सी पॉइंट जो डिस्टेंस का स्मॉल आर है वो इस स्फीयर के अंदर है, ये स्फीयर के। अब ध्यान दीजिएगा भैया, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो शायद आपको कभी आपने यूज ही ना की हो। ठीक है, कि इंटीग्रेशन कहाँ पर होता है, तो इंटीग्रेशन हमेशा कॉन्टिन्यूअस चीजों का होता है। क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस चीजें ऐसी होती है जो लगातार एक जैसी चलती रहे। मान लो कि मैं बोलूँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, तो अगर स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से स्टार्ट होती है, इन्फिनिटी तक जाती है। तो अगर मुझे कहीं पे इंटीग्रेट करना है तो आप पूरा सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक है, कॉन्टिन्यूअस है, वो खत्म नहीं हुई है, जीरो नहीं है। लेकिन अगर मैं सरफेस के अंदर आने की बात करता हूँ, होलो स्फीयर के अंदर, तो होलो स्फीयर के अंदर किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे ना तो आप उसको उसी रीजन में करोगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ नहीं होगी, सरफेस के अंदर से लेके सेंटर तक, अभी पता लग जाएगा आपको। ठीक है, आप हमेशा इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूअस चीजों करते हो, ऐसी चीजों का नहीं करते जो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाए। डिसकॉन्टिन्यूअस मतलब कि खत्म हो जाए या एकदम से नई चीज आ जाए, हमेशा पुरानी। अगर चीजें एक जैसी हैं तभी आप इंटीग्रेट करोगे। जैसे मान लो समुद्र है और जमीन है, तो अगर आप इंटीग्रेशन करो समुद्र में, तो कहां से कहां करोगे, समुद्र के पानी से लेके समुद्र के किनारे तक का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। आगे नहीं कर सकते क्योंकि जमीन आ गई है। अगर आपको दोबारा इंटीग्रेशन करना है तो जमीन से जमीन का ही कर सकते हो, समझ में आई बात नहीं। तो कॉन्टिन्यूअस चीजों का ही इंटीग्रेशन होता है, आपको शायद पता भी नहीं होगा, अब पता लग गया होगा, एक नई बात है आपके लिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हमेशा किसका होता है, कॉन्टिन्यूअस, जो हमेशा एक जैसी होती है, कोई नई चीज नहीं आती, समझ गया। नई चीज मतलब कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो खत्म हो जाए, कुछ नया आ जाए, ये सब क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्या है ये, और कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है, कि एक जैसा ही चले। ठीक है, चलो देखते हैं भैया, और मैंने ये क्यों बताया आपको आगे पता लग जाएगा। अब आते हैं एट पॉइंट सी की, एट पॉइंट सी, मुझे सी पॉइंट का भी पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, और सी पॉइंट की दूरी क्या है, एक्चुअल स्फीयर के अंदर है, यानी आप कहाँ पे हो, इनसाइड द सरफेस। ठीक है, अगर आपको बता दूं इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, चाहे होलोस्फीयर हो चाहे सॉलिड हो लेकिन कंडक्टिंग हो। सॉलिड स्फीयर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि तो सारा का सारा चार्ज कहाँ से आता है, सरफेस पर, अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, गॉस थ्योरम तो कहती है ना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अंदर, इनसाइड क्या, जीरो। ठीक है, अभी हमें निकालना है, हम जानते भी है, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी करते हैं, और क्या होता है, माइनस EDR होता है। माइनस क्यों लगता है ना, आपको पता है, माइनस ये बता रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कल बताया था ना मैंने, माइनस ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा है। और माइनस हटा दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा आ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आओगे तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा आओगे तो आपको प्लस लगाना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा पोटेंशियल बढ़ता है, डीवी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगा। देखो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, क्लास ली हुई, जिससे उसको जिसने क्लास ही ली ना, या जिसने कल की रिकॉर्डिंग ली, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, उसके लिए पता नहीं क्या चल रहा है। और बाकी सारी चीजें मैंने बता रखी है, और बहुत आसान चीज है, कुछ बड़ी बात नहीं है, समझो।
अब देखिए भैया, मैं यहां पर वी को इंटीग्रेट, मुझे निकालना है सी पॉइंट का पोटेंशियल, मुझे निकालना है, तो यहां पर इनिशियल लिमिट क्या रखूं मैं? मुझे पता है ये डीवी क्या है, डिफरेंस है, और डीवी दो पॉइंट का डिफरेंस होता है, यानी दो पोटेंशियल मिलने वाले अपने आपको। एक पोटेंशियल अगर नॉन हो, जैसे आपका इन्फिनिटी का पोटेंशियल नॉन था, जीरो कर दिया मैंने, तो मुझे दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल, यहाँ पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल मैं निकालूंगा, तो कौन से पोटेंशियल, आप इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते क्योंकि तो बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आता, क्या है? इन्फिनिटी से लेके सरफेस तक है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वो कॉन्टिन्यूस रीजन है, वहां पर आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर नहीं है? सरफेस से सेंटर तक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब आप यहाँ पे अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो। समझे नहीं समझे मेरी बात को? ठीक है, तो आप यहाँ पे इंटीग्रेट कैसे करोगे? तो यहाँ पर लोगे आप सरफेस का इनिशियल लिमिट आपकी ये रहेगी और फाइनल लिमिट रहेगी सी की। ठीक है, अब यहां पर लिमिट, यहां लिमिट, यहां लिमिट हम इंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का करते हैं, करते हैं, और उसी के हिसाब से, उसी ऐसे लिखते हैं, नहीं ऐसे लिखते, उसी के हिसाब से, हिसाब हिसाब से लिमिट भी लेते हैं, लिमिट भी लेते हैं। यहां फील्ड, कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, इंफिनिटी टू आर, इंफिनिटी सरफेस कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, और सरफेस टू सेंटर कॉन्टिन्यूअस है। सरफेस से सेंटर में कॉन्टिन्यूअस है, जीरो है, मतलब एक जैसी होनी चाहिए, हो ठीक है, ना हो तो बिल्कुल ना हो, तो उसको भी कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, पानी है समुद्र में और बाहर नहीं है, तो आप दोनों रीजन को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। एस टू सेंटर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ग्रेटर देन जीरो आएगी, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी इक्वल टू जीरो आएगी। ठीक है, तो आप इसी रीजन को इंटीग्रेट कर सकते हो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी हो, या तो जीरो हो या ना हो, और हर जगह पे अप्लाई होता है ये चीज। ठीक है, अच्छा, आर सरफेस की दूरी क्या थी आर, आर सी की दूरी क्या है स्मॉल आर, है ना? चलो, ये क्या हो गया, डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी लिमिट लग गई आपकी सरफेस और कहां लग गई सेंटर, और माइनस आपको बता दू आर लिमिट है और ये स्मॉल आर है, आपको पता अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है जीरो, तो ये क्या हो गया, ये पूरी टर्म क्या होगी जीरो, तो ये क्या होगा वी सी माइनस वी एस इक्वल्स में क्या हो गया जीरो, तो वी सी बराबर में वी एस, और हम जानते हैं वी एस क्या था, के क्यू अपॉन में, मतलब समझे कि एक सॉलिड, एक सरफेस पे, स्पेयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वही क्या होता है, अंदर वाले पॉइंट पर भी मिलेगा, सेंटर पे नहीं, सी पॉइंट पर मिलेगा, सी क्या है, अंदर है, इन साइड सरफेस का पोटेंशियल, और पॉइंट अंदर कहीं पर भी हो उसका पोटेंशियल हमेशा क्या होता है सेम रहता है, तो इन साइड का पोटेंशियल, सो पोटेंशियल इन साइड बराबर में पोटेंशियल एट सरफेस, जो कि क्या होगा के क्यू अपॉन में आर, ये ध्यान रखो, अंदर कोई भी पॉइंट हो, मतलब समझे अगर एक स्पेयर है, ये ए सी कर दो, इस पॉइंट को डी कर दो, इस पॉइंट को ई कर दो, इस पॉइंट को ऑफ कर दो, तो भैया ये ध्यान रखना पोटेंशियल एट पॉइंट से सब अंदर है, क्या होगा पोटेंशियल एट पॉइंट सी, पोटेंशियल एट पॉइंट डी, पोटेंशियल एट पॉइंट ई, पोटेंशियल एट पॉइंट एफ, वो क्या होगा के क्यू अपॉन में आर ही आने वाला है, समझ गया, हर जगह पे पोटेंशियल सेम रहता है, इसको कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्या कहते हैं इसे, पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इसके अंदर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है भैया, प्रूफ तो कर दिया और चलेगी क्या, कहां आया तो गई, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर जीरो है
तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वहां का पोटेंशियल भी जीरो होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में भी कुछ पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता ही है। हो गया, तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो सरफेस पे है वही क्या है, अंदर भी है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस में थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये तो पूरा खत्म हो गया आपका। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अलग से लिख दो सारी चीजों को नोट में। स्पीयर है, इसके ऊपर चार्ज क्या है? तो अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, बी पॉइंट की बात करूं, सी पॉइंट की बात करूं, ये सेंटर है। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? ए पॉइंट में जो दूरी होगी वो कैपिटल आर से क्या बड़ी है, तो के क्यू अपॉन में स्मॉल आर आउटसाइड। अगर आपका सरफेस पे आ गए तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या होगा? के क्यू अपॉन में आर। ठीक है, ए पे है, ये बी पे। एट सी पर बात करूँ तो सी का जो आर होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। सी का जो आर होगा वो छोटा होगा, तो क्या होगा? वही क्या होगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, इसके बराबर कर सकते। ठीक है भैया, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब आते हैं सॉलिड स्फीयर, हटाओ सॉलिड स्फीयर। पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग लिखता तो पीछे वाला सारा केस आता, कंडक्टिंग में पीछे वाला सारा केस था, ये नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड भी है। पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर ये नॉन कंडक्टिंग, मतलब जहां पे चार्ज है वहीं पे पड़ा रहेगा, चार्ज सरफेस पे नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका सॉलिड स्फीयर है। और आपने इसको चार्ज दिया, वो चार्ज क्या हुआ? जहां पर है वहीं पे ऐसे पड़ा रहेगा, कोई भी चार्ज फ्लो करके सरफेस पे नहीं आएगा। जो सरफेस पे होगा वो सरफेस पे रहेगा, जो सरफेस के अंदर रहेगा वो अंदर ही रहेगा। ठीक है भैया, ये आपका सेंटर है। तीन अलग अलग पॉइंट बनाते हैं, ये क्या इसकी रेडियस है? आपको इस पॉइंट पर निकालना पोटेंशियल, ए पॉइंट पर, फिर बी पर, और उसके बाद फिर सी पर। ठीक है, तो भैया एट पॉइंट ए की बात करूं, अगर मैं एट पॉइंट, अगर मैं ए की बात करूं, ए का जो पॉइंट है उसकी दूरी जो है वो उसकी रेडियस से क्या है? स्फीयर की रेडियस से बड़ी। क्यों क्या है? टोटल चार्ज है। क्यों क्या है आप तो बता दो, बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन और बिल्कुल सेम तरीके से क्या होगा? वो भी ड्राइव होगा। ठीक है, और इसका भी रिजल्ट आएगा के क्यू अपॉन में, के क्यू अपॉन में सेम डेरिवेशन है, सेम एज होलो स्फीयर, सेम एज होलो स्फीयर के केस में जैसा हुआ था बिल्कुल सेम उसी तरीके से ड्राइव करना। ठीक है, अब आते हैं एट दी सरफेस, एट पॉइंट, एट पॉइंट बी, बी पर आ जाओ। बी के लिए स्मॉल आर की वैल्यू क्या, कैपिटल आर के बराबर। तो बिल्कुल सेम बी पॉइंट पर भी क्या होगा? राइट, सेम एज होलो स्फीयर। लेकिन अगर मैं अंदर की तरफ आता हूं तो मामला पीछे ऐसा नहीं रहेगा, मामला पीछे ऐसा नहीं रहेगा। आपको बता दूं भैया, सी पॉइंट को अगर मैं देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं एट पॉइंट सी की बात कर रहा हूं, एट पॉइंट सी की बात कर, ठीक है, एट पॉइंट सी की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सी टू एस जा रही है, सी पॉइंट से लेकर सरफेस की तरफ जा रही है। एस क्या है? सरफेस। तो आपको याद होगा
अगर मैं सी से एस की तरफ जाऊं, इसकी दूरी क्या स्मॉल है, सी से एस की तरफ जाऊं तो सी का पोटेंशियल ज्यादा होगा या एस का पोटेंशियल ज्यादा होगा, है क्यों? क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाने पर क्या होता है, पोटेंशियल लगातार कम होता है, सरफेस का पोटेंशियल कम होगा और क्या होगा, सी का ज्यादा होगा। ठीक है, एक बार पीछे का देख लो, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। तो मैंने उसको हर जगह पे चार्ज दिया, मैंने दिया, आपने दिया, किसी ने भी दिया, हो गया। अब तो सॉलिड हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, नॉन कंडक्टिंग है ना, तो वहीं पे जाकर रुक जाएगा वो। कंडक्टिंग होता तो चार्ज सॉलिड, अगर सॉलिड स्फीयर होता और कंडक्टिंग होता तो चार्ज अंदर नहीं रुकता, फिर वो क्या होता, सरफेस पे आ जाता। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, और कहाँ पे थे, ठीक है, एंड पॉइंट सी पे निकाल रहे हैं, सी पॉइंट पर अपने को पोटेंशियल निकाल रहे हैं, किसका ज्यादा होगा, सी का ज्यादा होगा या एस का ज्यादा होगा, सी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल कम हो जाता है। ठीक है भैया, और सरफेस का अपने को पता ही है, के क्यू अपॉन में आर आ रखा है, के क्यू अपॉन में आर रखा है, इसको सॉल्व करते हैं और बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, आपको बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी सॉलिड स्फीयर के अंदर होती है, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यू, के क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्यू क्या है, जो आपने टोटल चार्ज रखा है, स्मॉल आर क्या है, सी पॉइंट की दूरी फ्रॉम ओ सेंटर, और आर क्या है, स्फीयर की रेडियस, ये सॉलिड स्फीयर के अंदर, सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैंने फास्ट ट्रैक बैच में करा रखा है, मॉरिंग में फास्ट ट्रैक में, तो डेरिवेशन, लेकिन आप इतना ध्यान रखो, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, इनसाइड सॉलिड, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इतनी होती है। ठीक है, चलो भैया देखते हैं, तो हमें पता है भैया विनो, हम जो रिलेशन लगाते हैं इक्वल्स टू में डीवी अपॉन में क्या लगाते हैं, डी आर, माइनस नहीं लगा रहा क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड लेकर चल रहा हूँ, क्या लगे चल रहा हूँ, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए सी पॉइंट का पोटेंशियल का। ठीक है, तो इसको मैग्नीट्यूड लेके चलना तो माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो डीवी क्या होगा, ई डी आर नहीं होगा, टोटल पोटेंशियल क्या होगा, तो क्या होगा डीवी, आपको किसके बीच का चाहिए, कहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है भैया आपका, सरफेस से सी की तरफ या फिर वो, देखिए भैया सी का ज्यादा होगा तो सी की दूरी रखो पोटेंशियल एट पॉइंट सी, और यहाँ पे क्या रखो पोटेंशियल एट पॉइंट, एक सेकेंड में माइनस भी लगा दो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया, डीवी कोस में क्या होता है, माइनस ई डी आर, माइनस ई डी आर, और आप जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी क्या हुआ सी टू एस, पोटेंशियल एट पॉइंट सी, पोटेंशियल एट पॉइंट एस और डीवी। ठीक है, तो यहाँ पर लगाओगे, देखिए सी से एस की तरफ जा रहा हो तो आपको पता पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इसलिए माइनस लगा दिया मैंने, माइनस ये रहा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है सी पॉइंट पर, के क्यू स्मॉल आर अपॉन में आर क्यू, नीचे क्या डी आर, अच्छा सी पॉइंट के लिए आर की वैल्यू क्या है स्मॉल आर, और एस पॉइंट के लिए आर की वैल्यू क्या है कैपिटल आर। ठीक है, तो डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा अभी सी और एस, इसको देखिए माइनस कांस्टेंट के क्यू कैपिटल आर क्यू बाहर आ गया, स्मॉल आर डी आर, स्मॉल आर डी आर का इंटीग्रेशन होगा आर स्क्वायर अपॉन में टू स्मॉल आर कैपिटल आर। ठीक है, ये हो गया, एक बार ही सरफेस का पोटेंशियल वी को रिप्लेस करेगा, एक बार सी पॉइंट का पोटेंशियल रिप्लेस करेगा, इधर क्या आएगा भैया, माइनस के क्यू कैपिटल आर, एक बार ही क्या हुआ स्मॉल आर को, ये टू भी निकाल दो बाहर, ये टू जो है ना नीचे लगा रहा है, एक बार स्मॉल आर को कैपिटल आर रिप्लेस करेगा कैपिटल आर स्क्वायर, और एक बार स्मॉल आर को स्मॉल आर रिप्लेस करेगा तो स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है भैया, ये हो गया, अपने को चाहिए कहाँ पे सी पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, क्या चाहिए, तो इसको इधर की तरफ ले आओ, असर जाओ ना, सी पॉइंट का चाहिए, तो आप देखिए सरफेस का क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर,
सरफेस का क्या होता है? के क्यू अपॉन में आर निकाला था पीछे, बी पॉइंट जो कि सरफेस में। सी का चाहिए अपने को, माइनस के क्यू टू आर क्यू माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सी पॉइंट को धन ले जाओ और इसको धन ले जाओ पूरा, ठीक है? तो क्या होगा पूरा प्लस हो जाएगा। सी पॉइंट को ले जाओ तो बी सी हो गया, और इसको धन ले आओ तो क्या होगा प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, के क्यू आर प्लस के क्यू अपॉन में टू आर क्यू, और फिर क्या होगा? हाँ पूरे पूरे ले गए वो, लेकिन दे नहीं रहा पहला। जब भी तेरे पापा तेरे को बैल से मारते हैं, ठीक है? ये हो गया। अभी बताता हूँ उसकी बात, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। के क्यू अपॉन में आर कॉमन ले लिया मैंने, इधर क्या बचेगा वन, इधर क्या बचेगा भैया? देखिए वन बाय में टू आर स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा? के क्यू अपॉन में आर ये कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे तो बचेगा वन, और यहाँ पे भी क्या बचेगा टू आर स्क्वायर, और इधर क्या हुआ आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो के क्यू आर एलसीएम टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस अपॉन में टू आर स्क्वायर, ये हो गया। क्या कह रहा है साले, बक्कल तार दूंगा तेरा कभी किसी और को बोला। नहीं ले रहा कोमल, तेरी गणित ही खराब कर दी तेरे पापा ने। ये क्या हुआ टू आर क्यूब, ये टू आर बाहर आएगा टू आर क्यूब, ये क्या हुआ थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये पोटेंशियल एट पॉइंट सी आ गया। सोच लो आप सॉलिड स्फीयर के अंदर नॉन कंडक्टिंग के अंदर ये पोटेंशियल होता है। चलो इसको वेरीफाई करते हैं, क्या हमारा ये रिलेशन सही है? तो वेरीफाई करने के लिए हेलो हेलो, अरे क्लास ले रहा हूँ, रुक जा अभी क्लास खत्म हो जाए तभी तो आता हूँ, पहले आ जाऊँ, रुक जा। हाँ खड़े रह, थोड़ी छाया में खड़े हो जा। ठीक है देखिए, ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसको वेरी पोटेंशियल आ गया सी पॉइंट का, ठीक है? तो ये हो जाएगा, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है, गलत तो नहीं हुआ ना कहीं पे? चलो ठीक है, हम बात करते हैं। अच्छा एक मिनट रहा, एट पॉइंट बी पर चल जाओ इसको वेरीफाई करने के लिए। बी पॉइंट सरफेस पे उसके लिए स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल आर के बराबर होगी। अगर मैं बी पॉइंट पर चले जाऊँ तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल आर के बराबर होगी, है ना? और यहां पर रखते हैं हम स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर। पोटेंशियल क्या होगा बी पॉइंट, ये जनरल फॉर्मूला आ गया, ठीक है? आप अंदर या इस पे सरफेस में यहां तक जाओ तो दिक्कत, ये फॉर्मूला कहां पे वैलिड रहता है? यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर सरफेस तक वैलिड है। ये फॉर्मूला कहां तक वैलिड है? वैलिड अप टू सरफेस, अप टू सरफेस, सरफेस तक वैलिड है, सरफेस लिख देना, ठीक है? वैलिड अप टू सरफेस, ठीक है? तो अब ये के क्यू टू आर क्यूब, अब देखिए थ्री आर स्क्वायर माइनस ये स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल आर के बराबर, ठीक है? कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर। अब ये ऊपर का सॉल्व करके क्या आएगा? टू आर स्क्वायर, क्या होगा? नीचे टू आर क्यूब है तो क्या आ जाएगा? सही आ गया भैया, मतलब हमारा फॉर्मूला क्या है? सही है। सेंटर पे चले जाओ, एट पॉइंट से एट पॉइंट ओ पर जाते हैं। ओ के लिए आर क्या होगा? जीरो होगा। ओ पॉइंट सेंटर पे आर क्या होगा? जीरो होगा। तो ओ पॉइंट का भी पोटेंशियल निकाल दे, क्योंकि हमें पता है ये फॉर्मूला कहाँ पे वैलिड है, सेंटर टू। यार ये ना सही होगा, ये वैलिड अप टू, अरे यार ये कब लिखा था मैंने? अच्छा बाद में,